आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मंगलवार को शिलग्राम के हुनर हाट की शाम संगीत के नाम रही। हुनर हाट के छठवें दिन बॉलीवुड के फेमस सिंगर अनिल भट्ट, दिलबाग सिंह और प्रिया मलिक ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर दर्शकों को देर रात तक बांधे रखा। सोमवार को शिल्पग्राम के हुनर हाट का मंच एक बार फिर से संगीत के सुरों से गूंज उठा। बॉलीवुड के फेमस सिंगर भूमि त्रिवेदी, हंसिका अय्यर और अनिल भट्ट ने हुनर हाट के मंच पर देर रात तक सुरों की बारिश की। तीनों सिंगरों ने एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस देकर दर्शकों का जमकर वाहवाही लूटी और अपनी गायकी से दर्शकों को देर शाम तक बांधे रखा। ताजनगरी के शिल्पग्राम के हुनर हाट के मंच पर पहले बॉलीवुड के फेमस सिंगर अनिल भट्ट ने तेरे बिन लागे जियाना, अल्लाह के बंदे, टूटा टूटा एक परिंदा कैसे टूटा फिर जुड़ना पाए, तेरी दीवानी सुपरहिट बॉलीवुड के गानों से हुनर हाट की शाम को और भी खुशनुमा बना दिया। वहीं बॉलीवुड के फेमस सिंगर भूमि त्रिवेदी के गानों पर दर्शक अपने आप को झूमने से नहीं रोक पाए। याई रे मिलकर जोर लगा के नाचे रे, जिया जिया रे जैसे गानों पर वहां मौजूद लोग झूमते नजर आए। भूमि ने बॉलीवुड के एक से बढ़कर एक सुपरहिट गानों से देर रात तक लोगों को बांधे रखा। आज भी कल की तरह हुनर हाट में बहुत ही धमाल होने वाला है। विश्व प्रसिद्ध कलाकार हर रोज हुनर हाट में आते हैं और आज आ रही हैं भूमि त्रिवेदी और हंसिका अय्यर और साथ ही साथ लोक नृत्य को पूरे विश्व में प्रसिद्ध करने वाले अनिल भट्ट जी और उनके साथी कलाकार। तो आप सभी जल्दी से आइए, सर्कस शुरू हो चुका है। ताजनगरी के शिल्पग्राम में 18 से 29 मई तक हो रहे हुनर हाट के आयोजन को ताजनगरी के लोग काफी पसंद कर रहे हैं। 31 से ज्यादा राज्यों और केंद्र सहित प्रदेशों से आए शिल्पी के हुनर की जमकर तारीफ कर रहे हैं। हुनर हाट में लोग अपने परिवार के साथ बेहतरीन शाम गुजार रहे हैं और हुनर हाट में जाकर शॉपिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा, हमने फर्स्ट टाइम लगाया जी हमारे आगरा में, इसलिए तो और ज्यादा अच्छा लगा। हाँ, बहुत ज्यादा अच्छा, वो भी अच्छा है बट उससे ज्यादा यहाँ पर इस बार हमको कुछ अलग ये देखने को मिला है कि यहाँ साफ सफाई कुछ ज्यादा ही है। बहुत ही अच्छा रहा है और फर्स्ट टाइम आए हैं लेकिन काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। पहले से ताज मौसम में भी थी बट यहाँ थोड़ी यूनिक है। हुनर हाट में जगह जगह बने सेल्फी पॉइंट पर महिलाएं और युवती अपने परिवार और दोस्त के साथ सेल्फी लेते हुए इस खुशनुमा शाम को अपने कैमरे में कैद करते हुए नजर आ रहे हैं। फाउंटेन, रथ जैसे कई सेल्फी पॉइंट लोगों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। वहीं हुनर हाट के मंच पर बॉलीवुड परफॉर्मेंस को भी दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। वहीं हुनर हाट में आए लोगों का कहना है कि हुनर हाट ताज महोत्सव की अपेक्षा में काफी कॉस्टली है, लेकिन हुनर हाट की व्यवस्था की बात की जाए तो ताज महोत्सव की अपेक्षा हुनर हाट की व्यवस्था काफी ठीक है। बाकी तो सब सही है, व्यवस्था इन लोगों की घूमने के लिए, सेल्फी के लिए, बाकी सब अच्छा है, सजावट अच्छी करी हुई है। अच्छा है, बहुत अच्छा है, एक्चुअली एंजॉय करने के लिए बहुत अच्छा है। वहीं प्रधानमंत्री की हुनर हाट की पहल से आत्मनिर्भर भारत को मजबूती भी मिल रही है। वहीं 41वें हुनर हाट के माध्यम करीब 800 से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को अपना हुनर दिखाने का एक बेहतरीन मंच मिल गया है, जिसमें स्वदेशी उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ छोटे छोटे गाँव के लोगों को रोजगार के भी अवसर मिल रहे हैं। सी न्यूज के लिए गोपाल शर्मा की रिपोर्ट।